अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जनपद गाजियाबाद के वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी पिंकी गौतम को मोदीनगर के विजयनगर में अनिल गौतम के प्रतिनिधित्व में अपार समर्थन मिल रहा है। आपको बताते चले कि मोदीनगर के विजयनगर स्थित धर्मशाला में जाटो समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर अनिल गौतम के प्रतिनिधित्व में पिंकी गौतम को भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष मोदीनगर मोहित जाटव, लीलाराम जाटव, प्रतिपाल सिंह, रूपचंद जाटव, सुरेंद्र प्रधान बेगमाबाद, मोहन सिंह जाटव बेगमाबाद, रुपेश कुमार आदि ने पिंकी गौतम पत्नी अनिल गौतम को भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया और कहा कि अनिल गौतम की मेहनत हम बेकार नहीं जाने देंगे। वहीं अनिल गौतम ने कहा कि जिस तरह पिंकी गौतम को जन जन का अपार समर्थन मिल रहा है वह बहुत ही सराहनीय है और पिंकी गौतम जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से विजयी होकर जन जन की सेवा करेंगी। और आखिर में अनिल गौतम ने समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। हमारे लीलाराम जाटा साहब अपने दो विचार रखें, कृपया शांति से सुने। में इलाज की परवाह नहीं होती और बिखरे हो का कभी इलाज नहीं होता। सिर झुकाने की आदत जिन्हें पड़ गई है दोस्तों, उनके सिर पे कभी राज का ताज नहीं होता। जिसमें रोशनी ना मिल सके, जिसमें रोशनी ना मिल सके वो चिराग क्या, जो सुगंध ना दे सके वो फूल क्या। जीने को तो जीते हैं जमाने में सभी, परंतु जो किसी के काम ना आ सके वो इंसान क्या। अनिल गौतम जी, आपको स्पष्ट रूप से देखो, हम ये आप बहन जी का एक नेतृत्व में सुना बैठे, ठीक है, लेकिन हमारे बस्ती अभी एक तो नेता है बसपा के, मैं नाम शायद ना लेऊं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट में उन्हें होना चाहिए, होना चाहिए था, सही बात है, फायदे की बात है। एक आपका बेटा है शेखर, चोलोड़ा बी डी सी का, अब मेरा बेटा हो, मैं चुना जाता हूँ बी डी सी का उस पर, ठीक है जी, आपका सहयोग मिलेगा और हमारा सहयोग मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपके चरणों में अपने शीश को झुकाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग यहां सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए। मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं आपके लिए, जब जब चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, या कोई किसी भाई पे आफत आई, मुसीबत आई, तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहा, मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूं, चाहे समाज की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, हमेशा समाज और पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम मैंने किया है। पिछले दिनों आपके यहां एक बेटी का मर्डर हो गया था, आपको ध्यान होगा, जब यहां से पुलिस उस बॉडी को बिना सील करे ले गए तो मैं आया और मैंने तुरंत गाड़ी घुमा दी और मैं थाने के गेट पर बैठ गया। मैं थाने के गेट पर बैठ गया, रात को 12 बजे उस दरोगा को सस्पेंड करा के उठा और जब उस पुलिस ने, उन अधिकारियों ने फिर उसे बहाल कर दिया, फिर तहसील में बैठ गया। मेरी माता और बहनों, आपको याद होगा, आप भी थी वहां पर, मैं बैठा रहा और इतने उस दरोगा को सस्पेंड नहीं हुआ, इतने वहां से नहीं उठे, सस्पेंड करा के उठे। चाहे कुछ भी हो, किसी का बच्चा पकड़ा गया, मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी का बालक पकड़ा गया, किसी ने मुसीबत आई है, अनिल गौतम हमेशा खड़ा रहा। आज मुझे आपकी जरूरत है, आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं यहां वार्ड नंबर 4 से जनरल सीट है, ये वार्ड नंबर 4 जनरल सीट है, मेरे सामने बहुत मजबूत चेहरे हैं मेरे साथियों, इस राजनीति के मजबूत मजबूत चेहरे अनिल गौतम के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग अगर मेरे साथ खड़े रहोगे तो मेरा हौसला बना रहेगा, आप लोग मेरे साथ कांधे से कांधा मिला के चले रहोगे तो मेरा हौसला बना रहेगा,
और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये चुनाव नहीं एक जंग है। ए मेरे नौजवान साथियों, चुनाव नहीं एक जंग है, बहुत मजबूत लोगों से जंग लड़ रहा हूं। आप लोग मेरे साथ खड़े होइए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर आप लोगों के चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी तो मैं आप लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ए मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, ए मेरी माताओं बहनों, अनिल गौतम आपके चरणों की तरफ देखेगा, कभी आपकी आंखों की तरफ नहीं देखेगा, आपके चरणों की धूल हमेशा बना रहेगा। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों का एक काम है, मेरे नौजवान साथियों, आपको एक काम करना है। या ज्यादातर मेरे समाज के लोग हैं, या सहन समाज के लोग भी, मैं अपने समाज के लोगों से इसलिए खास कर कहना चाहता हूं क्योंकि आप नौजवान साथियों, आप एक वोट के साथ साथ अपनी वोट के साथ साथ 10 वोट जोड़ सकते हैं। जो आपके भाई सैन समाज के लोग हैं, आपके भाई कश्यप समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग जो आपके दोस्त हैं उन्हें जोड़िए, जो आपके पड़ोसी हैं उन्हें जोड़िए और बताइए कि अनिल गौतम चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आज के बाद आप लोगों को एक बात प्रण लेकर जाना होगा, घर घर जाकर, कूचे कूचे जाकर फहरा दो उस नीले झंडे को। और आने वाले समय में मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आप आने वाले समय में यहाँ से एक एक वोट डालकर इस भाई को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं हार गया तो आप हार जाओगे, ये समाज हार जाएगा, ये मेरी हार नहीं, आप लोगों की हार होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे समर्थन कीजिए, हाथ उठा के बताइए कि आप मेरे साथ रहोगे या नहीं। मुझे आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का सहयोग मिला, तो मैं वादा करता हूं मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, जिन लोगों का 20-25 साल से सीट पर राज रहा है, जो लोग जीत कर अपने घरों में बैठे रहे हैं, जो लोग जीतने के बाद आपके दुख सुख में नहीं आए हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है। और आप लोगों को भी मजा आएगा, आप लोगों को भी पता लगेगा कि हमने वास्तव में एक सेवक बनाने का काम किया है, वास्तव में हमने अपने बेटे को बनाने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैंने बहुजन समाज पार्टी में सेवा की है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने का काम किया है। अब मैं आप लोगों से, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अगर आप लोगों के चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी तो मैं बताना चाहता हूं कि ये अनिल गौतम आपका सेवक बनकर रहेगा, हमेशा आपके चरणों में रहेगा, कभी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये बेटा आपका इतना कमजोर नहीं है, डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, ये आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है, कोई आंख भर के देखेगा तो ये अनिल गौतम आपके सामने खड़ा मिलेगा, उससे पहले मैं खड़ा मिलूंगा उसके सामने, आपके सामने। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐ मेरे समाज के लोगों, मेरे युवाओं, अब सब समाज के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी आप पर है। मैं आज यहां आपके बीच में आया हूं, केवल आपको जिम्मेदारी देने आया हूं कि ये जिम्मेदारी अब अनिल गौतम, मोहित जाटव, रूपचंद जाटव, लीलाराम जाटव, पीपी सिंह, सुरेंद्र प्रधान जी या इनकी नहीं है, अब लोग आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग घर घर में जाकर मेरी माता बहनों को समझाने का काम करेंगे, मेरे बुजुर्गों को समझाने का काम करेंगे, एक एक वोट आने वाले समय में डलवाने का काम करेंगे, और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करने का काम करेंगे। हम सब लोग आपके हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। उनको नहीं पता हमारा सुख दुख, थाने दीवाने क्या चीज है, दलाली हावी है, ऊपर से भाजपा सरकार, ऊपर से भाजपा सरकार दलित और मुस्लिम समाज के लोगों पर इतने अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती मुकदमे ठुकवाने का काम कर रही है। तो सम्मानित साथियों, ये तो एक ट्रेलर रहेगा जिला पंचायत का, फिल्म तो 2022 में जब सरकार बनाओगे तभी दिखेगी। संघर्षों के साए में असली आज़ादी मिलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुकता है। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जय भीम जय भारत।